अपने नौजवान तबके को अपनी इस जो पिछड़ी हुई कौम है इसको आगे लेके चले। आपकी सदारत में आए तो चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान युवा तबका है ये किसी ट्रैक पे जाए, जैसे पिछले सालों से पिछले दौर से होता आया है, ऐसे अगर फिर से हुआ हमारे साथ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम बड़ी उम्मीदें आपके पास लेके आए हैं, तो ये यकीन लेके आए हैं तमाम लोग कि इंशाल्लाह रहमान अब इस कौम का भी बोलबाला होगा आपकी सदारत में, और इस वजह से ये नौजवान ज़्यादातर नौजवान तबका जो है आज आपके पास आया है। तो वक्त की शायद कमी भी है, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ चिनाब। बात करते हैं बनिहाल की। बनिहाल से आज दानिश इकबाल साहब ने अपनी पार्टी ज्वाइन की। आज ये रीजनल ऑफिस जम्मू में यहाँ फंक्शन रखा गया। आज हमारे साथ दानिश इकबाल साहब हैं और गौहर वानी साहब भी है। गौहर वानी साहब ज़्यादा मीडिया में तो नहीं आए, लेकिन हम आपको कह दें कि गौहर वानी साहब ने बनिहाल बी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट किया था। आज ये दोनों शख्सियात जो है वो हमारे साथ है, आज इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले दानिश इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम दानिश इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दानिश इकबाल साहब। आपने सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं कि आपने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो ज्वाइन की, और दूसरी बात ये कि आपने जम्मू एंड कश्मीर क्यों ज्वाइन की, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी क्यों ज्वाइन की, क्या ज़रूरत पड़ी? और भी तो बहुत सारी पार्टीज़ थी यहाँ, आप इंडिपेंडेंट आपने कॉन्टेस्ट किया था DDC इलेक्शंस में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊं कि मैं सबसे पहले जो मैं सियासत में आया तो मैंने अपनी एक हमारी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने उसमें काम किया। एज इंडिपेंडेंट हम चलते थे, लोगों की मदद करते थे, हम डोर टू डोर उसमें जाते थे। उसमें हमारा कोई 200-250 लोगों का एक ग्रुप था, तो उसी को लेके चलते थे। तो फिर हमें लगा कि इंडिपेंडेंट हम काम कर रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, मदद कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के इंसान ने हमारी हेल्प नहीं करी। उसमें जो कुछ किया हमने अपने बलबूते पे किया, अपनी ज़ात पे किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो ग्रुप बिखरने लगा। जब ग्रुप बिखर गया तो हम लोगों ने पार्टियाँ ज्वाइन कर ली, मैं BJP ज्वाइन कर गया, बाकी किसी ने कोई पार्टी। तो उस टाइम में हमें चाहिए था काम अपने गरीब लोगों के, खासकर हमारी कंस्टिट्यूंसी जो देखेंगे आप बड़ी फार फ्लॉन्ग एरियाज़ है हमारी कंस्टिट्यूंसी के, बड़े दूर दूर तक हमारे पास रोड्स नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल्स नहीं है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और भारतीय जनता पार्टी में मैं एज स्टेट वाइस प्रेजिडेंट रहा ST मोर्चा का। तो मैंने सोचा काम होंगे, तो भाई साहब 3 साल मैं पार्टी में रहा, 3 साल तक मेरा पार्टी में कोई काम नहीं। हम चाहते हैं, हम पार्टियां ज्वाइन करते हैं किस लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने आवाम के लिए। जब उसी आवाम के काम नहीं होंगे तो हमारी उस पार्टी ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा, हमारी सियासत करने का क्या फ़ायदा? उससे बेहतर है ना हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, अपने जेब से जो होता था लोगों तक पहुँचाते थे, मदद करते थे। कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमने ठाना कि हम जितने लोग हैं हम लड़ेंगे अपने लोगों के लिए। हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमने 1500 वोट लिए इलेक्शन के अंदर, और 1500 लोगों को जो हम साथ लेके चलते थे, इन लोगों को जो है थोड़ा सा डर पैदा हो गया, खतरा पैदा हो। तो उसके बाद हमें एक नई सूरज, नई किरण दिखी। वो ये दिखी कि 4G की बात हर कोई करता था, BJP भी करती थी, हर एक पार्टी करती थी, लेकिन 4G हमें मिला नहीं पिछले 1.5 साल से। अल्ताफ़ बुखारी साहब वो शख्सियत है जिन्होंने 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, जिसमें एज लिमिट 36 ईयर था, तो उसको 15 मिनट के अंदर जो है एज लिमिट को 40 ईयर्स कर दिया गया। तो जो नौजवान तबका है जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर एक नई किरण जागी। हमें लगा कि नहीं, लेकिन दानी साहब 4G का तो हर कोई क्लेम कर रहा है, कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात सुनिए, हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हम 7-8 कैंडिडेट थे, मैं कह रहा था मैं जीत जाऊंगा, गौहर भाई कह रहे थे मैं जीत जाऊंगा, और हमारे जो बाकी दोस्त थे कहते थे हम जीत जाएंगे। लेकिन विनर वही होता है जो लास्ट रिजल्ट पे करे, हाँ, जो आए वहाँ से रिजल्ट आए, ठीक है। तो इसमें ये मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में बुखारी साहब जो दिल्ली से वापस आए, और दिल्ली से आते ही जो है अनाउंसमेंट हुआ 4G रिस्टोर हो गया जम्मू कश्मीर में। उससे पहले 15 मिनट के अंदर हम कुछ दोस्त बैठे थे बुखारी साहब के पास, तो गए, उन्होंने वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो एज लिमिट है बढ़ा दी।
तो हमें ये काम चाहिए भाई साहब, क्रेडिट कोई भी ले लेकिन काम करने वाले को अल्लाह देख रहा है। वह इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, मेरा रब इज़्ज़त देने वाला लेने वाला भी है, और काम जो करता है वो ऊपर वाला देखता है कौन कर रहा है, अल्लाह ताला इज़्ज़त भी। और देखिए ना, इस टाइम बुखारी साहब का एक नौजवानों के अंदर एक वेव चल पड़ी है, हालांकि बुखारी साहब तो किसी के घर नहीं जाते, लेकिन जो नहीं जानता वो भी बुखारी साहब कर रहे हैं, तो ये इज़्ज़त देने वाला मेरा रब है। बनिहाल के लोगों को आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स में क्या आपको लगता है कि क्या कमी है, क्या वहाँ लैक करता है? देखिए, कमी पेशी की बात मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि मीडिया जो होता है हर एक चीज़ देखता भी है और जानता भी है। बाकी रही बनिहाल इलाके की बात, हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए हमारी स्कूल्स, एजुकेशन, रोड, बिजली, पानी, ये हर घर जाना चाहिए। आप देखिए, ये कोई किसी लीडर ने घर से नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ये वो प्रोवाइड कर रही है, ये हर इंसान तक मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट भी लग गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जिन लोगों को गधेड़ा जाता था, भगाया जाता था फॉरेस्ट लैंड से, हकूक मिल गया, 35 कनाल तक वो अपने उस फॉरेस्ट लैंड के अंदर रह सकते हैं, कमेटियाँ बन रही है। तो ये चीज़ें हमें ये काम करने हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, आपने कहा कि बनिहाल के अंदर आप डेवलपमेंट क्या कर, मैं बताऊं आप, हमारे ट्रांसफार्मर है, 200 घर है तो 163 kV का ट्रांसफार्मर लगा है, बिजली मरी हुई है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, तालीम है नहीं, हमें तालीम को इम्प्रूव करना है, इन चीज़ ये बिजली पानी स्कूल्स रोड्स रोडों का हालत, टूरिज़्म को हम वहाँ पर जो है बढ़ावा देंगे ताकि टूरिज़्म लगे वहाँ पर, बाहर के लोग आए वहाँ पर, हमारे बच्चे सीखें, हमारे बेरोज़गार नौजवान का जो है सबब बने, रोड्स जहाँ पे नहीं, आप देखिए पिछले साल क्या हुआ, बर्फबारी पड़ गई, हमारी दो बहनें प्रेग्नेंट थी जिनको वो चारपाई पे उठा के रोड पे लाया। रोड कनेक्टिविटी चाहिए हमें कंस्टिट्यूंसी के अंदर, आप देखिए बाकी कंस्टिट्यूंसियों के अंदर कितना काम हुआ है, हमारी बनिहाल में देखिए क्या हुआ है, नील रोड मुझे लगता है पिछले 50 साल से है, नील चमलवास रोड है, इतने खड्डे हैं उसमें गाड़ी जाती है दिखती नहीं है, तो इन खड्डों को भरने का क्या लगता है जो अपनी पार्टी है ये काम कर पाएगी? और दूसरा सवाल, अभी जो अपनी पार्टी है नई पार्टी है तो इतना इनका भी ना उतनी इनकी सीट्स है, डीडीसी ये इलेक्शंस में भी इनने उतना नहीं ले पाया जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस पार्टी को यहाँ पे बने हुए मुझे लगता है 3 से 4 महीने हुए, 3-4 महीनों में इसमें मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, फॉर्म हुई थी उसके बाद कोविड आया और जस्ट 3 or 4 months हुए हैं पार्टी को फॉर्म हुए, जो फॉर्मली फॉर्म हुई है, और ये बहुत बड़ी बात है कि विद इन 4 or 5 months हमारे जो कैंडिडेट हैं हर इलाके से अपनी पार्टी के कैंडिडेट उठे, और एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड मैंने अपनी पार्टी का नाम बनिहाल में तो हर घर तक पहुंचा दिया, तो यही था कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, उसके आगे ये बता सकते हैं, बताएं आप। तो उसमें ये मसला है, जैसे गौर भाई ने कहा कि पार्टी को 9 महीने हुए, मैं तो कहूँगा 3 महीने हुए, क्योंकि 6 महीने कोविड रहा तो बंद रही, कोई ऑफिस नहीं लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था, इसके बावजूद 3 महीने के अंदर पार्टी ने 13 से 14 सीटें जो है जीती, उसके बाद आज 2 डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन कितने डिस्ट्रिक्टों में है वो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं इस पार्टी के आगे जाने के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अभी इतने कम समय में पार्टी ने इतना ग्रोथ किया तो आने वाले समय में कितना ग्रोथ पार्टी करेगी, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी पार्टियाँ जिन्होंने 2002 में सरकारें बनाई, 2008 में बनाई, 2014 में बनाई, है ना, तो वो दानी साहब बनिहाल की कांग्रेस क्लेम करती है कि हमने डिग्री कॉलेज दिया, हमने बनिहाल हॉस्पिटल दिया, हमने ये आईटी दिया या और कुछ, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर्स दिए, रोड्स दिए एंड इलेक्ट्रिसिटी की मतलब ज़्यादा जो वो दी। मुझे एक बात बताइए, मैं मानता हूँ ट्रांसफार्मर दिया कोई एहसान नहीं किया, आपको सीटिंग एमएलए बनाया वहाँ पे चुन के लोगों ने, 1 लाख लोगों के एमएलए हो आप, 1 लाख लोगों का फंड आता है आपके पास, है ना। बाद में रही डिग्री कॉलेज की बात, हाल आप भी जानते हैं, हाल मैं भी जानता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी पार्टी के साथ या किसी लीडर के साथ, मैं हर एक के साथ अपने भाई बरादरी भाई बंदी के साथ रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, डिग्री कॉलेज 2008 में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया,
हम उनकी तहे दिल से कदर करते हैं। 2008 से आज 2021 चल रहा है, आपने डिग्री कॉलेज देखा, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग तो तैयार है लेकिन क्लासेस आज भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आज भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सर्दी होती है, बारिश होती है, ठंड होती है, कहाँ जाएँ, यह हालत हो गई है वहाँ पे। वहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम चलता है भाई साहब, हॉस्पिटल बना, पैसा हॉस्पिटल बना, अभी जाके अभी वो टेकओवर नहीं, वो हैंड ओवर टेकओवर नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें कितने साल से हॉस्पिटल बन रहा है। अगर कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो एक साल इज एनफ, वन ईयर इज एनफ, तो एक साल में तो बन जाना चाहिए था। तो आज कितने साल हो गए हमें सुनते हुए कि बानीहाल में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी अभी नहीं दिया गया। आगे दानी जी आप देखिए, तो ये चीज़ें हैं कि हमें इन चीज़ों को सुधार, इन चीज़ों में सुधार लाना है। तो आपने पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी बात की और उन्होंने भी खास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा, स्ट्रिक्टली कहा कि हम जहाँ पे हमें बुलाओ दिन रात हम और आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर विजय बकाया सर चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इतने बुजुर्ग इंसान कह सकते हैं आपको, रात को हमें फ़ोन करें हम हाजिर है, दिन में फ़ोन करें हाजिर, इस वक्त आप अभी एक कॉल दे दो अंदर अभी कहीं जाना तैयार हो जाएंगे पूरे लिए, ये क्वालिटीज़ चाहिए हमें। आपके बोलने का मतलब है ये डिफरेंट है, जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जैक्टली अदर पार्टीज़। यस, देखिए यही तो बात है ना, मैं आपको बताऊँ, किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट हो, हमारे रविंदर रैना जी हैं, उनको मैं 50 फ़ोन करता था वो रिसीव नहीं करते। एक दिन मैंने कह दिया खेलते खेलते मजाक में, सर आप फ़ोन, कहा मैंने STD खोली है यहाँ, तो आप बुखारी साहब को फ़ोन करिए, अभी करिए, अननोन नंबर से करिए, आपका फ़ोन पिक होगा, बकाया साहब को करिए, मीर साहब को करिए, मंजीत सर को करिए, किसी भी लीडर को करिए, हमारे विक्रम मल्होत्रा जी हैं यहाँ के, उनको फ़ोन करिए, आपका फ़ोन विद इन सेकेंड्स पिक होगा और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और क्विक एक्शन होगा। ये बात है, आज़ाद इतिहाद भी तो बनी हाल में है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए आज़ाद इत्याद एक है, पार्टियां हैं, आज़ाद इत्याद बना हुआ है, आज़ाद इत्याद ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अपने कैंडिडेट्स उतारे, तो कुछ जीते कुछ हारे, जो भी था वट एवर, खैर वो उनका एक अपना एक सिस्टम है, अपना अपने तरीके से चलते हैं, तो उस बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो आज़ाद इत्याद का जो था, कुछ सीटें जीती कुछ नहीं जीती, तो उनके अपने सिस्टम से था। चलिए हम और एक बार आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, और गवर साहब, हम आपको ये कह दें कि गवर साहब जो है फिर से रिपीट कर देते हैं कि इनने बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी, हमारे साथ गवर साहब जुड़े, गवर वानी साहब ये खाली मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं बनिहाल के इलाके से, इनने बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी बी से DDC इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए थे, ये ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आए, आज हमसे जुड़े हैं तो इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम ऑफिस में हैं, रीजनल ऑफिस गांधीनगर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब, सबसे पहले आप हमें कहिए क्यों मीडिया से इतना दूर क्यों रहते हैं, क्या बात है? नहीं, मैंने डिस्टेंस नहीं किया, मेंटेन किया मीडिया से, मीडिया ने मुझे मेरे साथ डिस्टेंस वहाँ पे मेंटेन किया, क्योंकि मीडिया केप्ट आई थिंक डिस्टेंस, तो कोई किसी ने अप्रोच नहीं करा वहाँ पे, तो वहाँ पे मीडिया जो था, मुझे लगा ज्यूरिंग कैंपेनिंग के मीडिया कुछ वन साइडेड हो गया था, तो दैट्स व्हाई मैं फिर मीडिया के सामने नहीं आया। मीडिया तो ये आपको अगर अच्छा लगे बुरा लगे, मीडिया ने जानबूझ के मेरे से डिस्टेंस किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपनी पार्टी मैंने इंट्रोड्यूस करी बनिहाल में, हर इलाके का मैंने विज़िट किया, जहाँ तक मैं नहीं गया था वहाँ तक उन इलाकों तक मैं गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, दादाजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, और मैंने पहली बार ये सियासत शुरू करी, तो इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला कि क्या क्या होता है। तो चलो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मेरा एक ही मकसद था कि ये हर कौम को साथ लेके चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे पार्टी जो है, अगर आप कोई भी मान लो रीजनल पार्टीज़ में ही आप लें, उनमें टिल्ट है, मान लीजिए अगर PDP कोई जाता है तो उसमें कश्मीर वाला टच आ जाता है, आप NCA आ जाता है उसमें भी आजकल कश्मीर वाला ही टच आ जाता है, तो जो
अपनी पार्टी है, इसमें जम्मू और कश्मीर दोनों को साथ लेके चलने की सलाहियत है इस पार्टी में, और बुखारी साहब में वो कैपेबिलिटी है जो इन दोनों रीजन्स को साथ में साथ साथ चला सके। तो बाकी रहा डेवलपमेंट का की बात, या मैंने जैसे इलेक्शन कैंपेनिंग में भी ये कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इलाके को एक ऐसा इलाका, मॉडल इलाका बना सकता हूँ, मुझ में वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर्स, घर घर एंटरप्रेन्योर्स बन जाते, और आजकल जो आने वाला जो टाइम है वो ये गवर्नमेंट जॉब्स का अब भूल जाइए, क्योंकि यूटी बन गया है, अभी कंपटीशन नेशनल लेवल का कंपटीशन है। तो हम, मेरा जो प्लान था कि हम अपने ही इलाके के रिसोर्सेज को यूज़ करके वहाँ पे ही हम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे देते, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे देते, तो ये उससे क्या है कि ज़्यादा जो हमारी रेस लगी हुई है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जे एंड के जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे, यहाँ पे 100% पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट जॉब ढूंढती है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, और हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को रागिब कर सकते थे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उसमें सब्सिडीज़ वगैरह ये वो बाकी चीज़ें। इवन मैं हैरान हो गया कई जगह पे जाके, वहाँ पे आयुष्मान का पता नहीं है किसी को, जेके हेल्थ जो अब लॉन्च हुई है, आयुष्मान 2018 से चल रहा है, उसका नहीं पता था लोगों को कि क्या है जो हेल्थ स्कीम है। तो बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती, जो है ऊपर। यू मीन टू से जो कॉमन पीपल है उनको बहुत सारी बातों के बारे में नहीं पता, नहीं बताया जाता है, पता तो वो ऑब्वियसली नहीं है, मगर बताया भी नहीं जाता है, बताया भी नहीं जाता है, तो महरूम रखा जाता है, दूर रखा जाता है। कई जगह पे ऐसा भी था कि किसी का मकान, मान लो जो डिजर्विंग है, जिसका मिट्टी का कोठा है, उसको मकान नहीं मिला, तो वो भी एक कंसर्न है। बहुत सारी पंचायतों में ऐसे ऐसे मसले थे कि बंदा हैरान हो जाता है कि बस जिसने वोट दिया उसी को आप आगे कर लो, फेवरेटिज्म ये ज़्यादा चला, आज तक यही चला फेवरेटिज्म। गावर साहब, अब आपने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी से हो आप, तो बनिहाल में इसकी उतनी पोजीशन मजबूत नहीं है, आप क्या क्या आपने क्या माइंड मैपिंग करके रखी है बनिहाल के बारे में, क्या आगे आप स्टेप्स? अभी हमने दानिश भाई को लाया, इंशाल्लाह आज दानिश भाई भी ज्वाइन, हाँ दानिश भाई ने ज्वाइन किया। दानिश भाई को रिपीटेडली मैंने रिक्वेस्ट करा कि आ जाओ हमारे साथ, तो इन्होंने एक्सेप्ट करा, इज्जत रखी, तो आए हमारे साथ, जुड़ गए, और हम अब हम मिल के काम करेंगे, क्योंकि ये भी यंग ब्लड है और इनका भी एक्सपीरियंस है, इनका तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मेरा कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस है, और अपनी पार्टी जो है वो 90% पीपल आर ग्रेजुएट्स, आइदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर्स, मान लो जो अच्छे प्रोफेशनल्स, हाँ तो ये ऐसी पार्टी है कि पढ़े लिखों की पार्टी है, ये कोई अनपढ़ों वाली पार्टी नहीं है, ये पढ़े लिखों की पार्टी है, और मान लो आगे आने वाले टाइम में आपको और भी पढ़े लिखे, क्योंकि यूथ अट्रैक्ट हो रहा है इस पार्टी के लिए, तो आने वाले टाइम में हम मान लो टेक्नोक्रेट्स की लाइन लग जाएगी। इवन बनिहाल में तो पहले ही कंपटीशन है, हर कोई पार्टी है वहाँ तो, और ये आज़ाद इतिहाद भी है, तो आपको क्या लगता है क्या पोजीशन बना पाएगी वहाँ बनिहाल में? देखें, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं कोई पुराना पॉलिटिशियन नहीं हूँ, यही एक इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन लड़ा, और अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को। जैसे आप बोल रहे हो आज़ाद इतिहाद बनाया है, तो बनाया होगा आज़ाद इतिहाद लोगों ने, क्योंकि कई उन्हें अच्छे अच्छे क्या कर रहे हैं, बट हमारी ये है कि हम ग्राउंड में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अगर कहीं किसी का भी कोई काम होता है मुझे फ़ोन करते हैं, ऐसे भी फ़ोन करते हैं तो मैं एस्केलेट करके उनके मसले हल करा देता हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, उसमें लाइव मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि कईयों के बहुत सारे मसले थे वो हल भी हो गए। यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में किसी को बिठा के रखा हुआ था ऐसे ही, तो उसको विदाउट मान लो गेम ऑन इंडिया में एक एम्प्लॉय को बिठा के रखा हुआ था, किसी बॉस के साथ मान लो उसने नहीं काम करने दिया उसको, तो उनका मसला भी हल कर दिया।
तो ऐसे ऐसे कोई छोटे मोटे मसले हों तो वो इंशाल्लाह हम क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि वो सुनती है, हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो सुनते हैं, तो आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। जो यंगर जनरेशन है, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ हैं उनके लिए, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजीज बन रही है कि उनके लिए क्या क्या किस किस लायक हैं और किस किस काम में उनको हम एडजस्ट करवा सकते हैं इन केस हमारी सरकार आती है। तो अगर नहीं भी तब भी मैंने जैसे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग तब भी मैंने वादा किया था कि अगर किसी का कोई मसला है, अगर हम जीत गए इलेक्शन कैंपेनिंग मैंने एक वादा किया था लोगों से कि अगर हम जीतते हैं तब भी आपके काम करेंगे, अगर खुदा न ख्वास्ता हारते हैं तब भी हम आपके काम करेंगे। आप मतलब कभी भी कोई भी मसला हो, लोकल मसला हो, हम वो मसला हल करवा के देंगे। चलिए ठीक, तो ये थे गावर वानी साहब, इनसे पहले हमने दानिश इकबाल साहब से बात की, आज इनने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी गांधीनगर रीजनल ऑफिस पर यहाँ ज्वाइन की, तो इनको हम मुबारकबाद देते हैं। देखते रहिए जेके न्यूज़ चुनाव, अल्लाह हाफिज़। देखिए आप खुद जानते हैं जहाँ तक बानीहाल का ताल्लुक है, ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, मैं इस इलाके में काफ़ी घुमा हूँ इलेक्शन के दौरान। मैं उस वक्त PDP का जनरल सेक्रेटरी था जिस वक्त मुझे इस इलाके के बारे में कहा गया कि आप इलेक्शन कंपेन वहाँ चलाएं, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ मैं सभी एरियाज में पहुँच गया, लेकिन अक्सर वो बेशतर इलाके में मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया वहाँ पे, और इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इलाके में काफ़ी गुर्बत है, इफ्लास है, बैकवर्डनेस है, और अब मैं यही चाहता हूँ कि आज दानिश इकबाल साहब की क़यादत में जिन लोगों ने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त है और इसको आगे ले जाना है, और इसमें अक्सर वो बेशतर लोग जो है जिन्होंने ज्वाइन किया वो नौजवान हैं, युवा हैं, तो उनसे मैं यही उम्मीद रखूँगा कि वो वहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं उसको उन प्रॉब्लम्स को हल करने में हमारी भी मदद करेंगे, प्रॉब्लम्स की निशानदेही करेंगे जिन प्रॉब्लम्स को हम हल कर सकते हैं, जहाँ भी इनको छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो वो पार्टी हाईकमांड की नोट्स में लाए, हमारी नोट्स में लाए, उसको हल करने की हम कोशिश करेंगे, और मैं यकीन देता हूँ इस दानिश इकबाल साहब और इनके सभी साथियों को जो भी छोटा बड़ा मसला हो उसमें हम पेश रहेंगे। दिलावर मीर साहब, और एक सवाल, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपनी पार्टी से कि वो बनिहाल रीजन का चक्कर कब लगाएंगे? किसी भी वक्त, ये आपसे कबल अज वक्त क्यों कहेंगे, वक्त पे कहेंगे, जब जाना होगा तो ढोल बजा के जाएंगे।